बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की काला हिरन केस में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को मुजरिम करार देते हुए 5 साल कैद की सजा सुना दी गई है, जिस पर बॉलीवुड सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया गया। जी हां, भाई की गिरफ्तारी पर बहनें जज्बात पर काबू ना रख सकी और रो पड़ी। काला हिरन केस में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को मुजरिम करार देते हुए 5 साल कैद की सजा सुना दी गई, जिस पर बॉलीवुड सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया गया है। भाई की गिरफ्तारी पर बहनें जज्बात पर काबू ना रख सकी और रो पड़ी। काला हिरन शिकार केस की समाअत जोधपुर की अदालत में हुई, जहां सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बिंद्रे और नीलम जाती हैसियत में पेश हुए। जज देव कुमार खत्री ने केस का फैसला सुनाते हुए सलमान खान को मुजरिम करार दिया और बॉलीवुड सुपरस्टार को 5 साल कैद की सजा और 10,000 जुर्माना कर दिया। अदालत के हुक्म पर सल्लू भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। सलमान खान के अलावा बाकी तमाम अदाकारों को जुर्म साबित न होने पर बाइज्जत बरी कर दिया गया। सलमान खान के वकील ने अदालत कम से कम सजा देने की दरखास्त की, तहम अदालत ने उन्हें 5 साल कैद की सजा सुनाई। जोधपुर की अदालत ने 20 साल पुराने इस मुकदमे पर अदालती कार्रवाई 28 मार्च को मुकम्मल करते हुए फैसला महफूज कर लिया था, जो आज सुनाया गया है। 2 अक्टूबर 1998 को फिल्म हम साथ साथ हैं की जोधपुर में शूटिंग के दौरान सलमान खान और उनके साथी अदाकारों सैफ अली खान, नीलम, सोनाली बिंद्रे और तब्बू पर महकमा जंगलात की जानिब से 2 नायाब काले हिरनों के शिकार पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। नायाब हिरन के शिकार केस में सजा पाने वाले बॉलीवुड अदाकार सलमान खान को जिस जेल में रखा जाएगा, उसमें पहले से ही खतरनाक कैदी मौजूद हैं। जी हां, इसमें पहले से ही खतरनाक कैदी मौजूद हैं। 52 साल अदाकार सलमान खान को जोधपुर की सेंट्रल जेल की बैरक नंबर 1 में रखा जाएगा, जहां तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जेल में सलमान खान को कत्ल की धमकियां देने वाले कैदी समेत दीगर खतरनाक मुजरिम भी कैद हैं। सेंट्रल जेल में बदनामे जमाना गैंगस्टर भी कैद है और ये वही गैंगस्टर है जिसने सलमान खान को कत्ल करने की धमकी दी थी। आपको बताएं, जेल में भारत के मशहूर रेप केस के मुजरिम गार्डमैन आसाम राम भी कैद हैं, जिनके मुकदमे के 3 गवाह मारे जा चुके हैं और वो अब तक लापता हैं। जी हाँ, जेल में खतरनाक कैदी भी मौजूद हैं, जो एक मुसलमान मजदूर को कुल्हाड़ियों के वार से कत्ल कर चुका है, बिला खौफ इसका इतराफ भी कर चुका है, जबकि शंभूलाल मुसलमानों का भारत में खात्मे का भी हामी है।